दोस्तों रिचार्ज ऐप्स की बात करें तो प्ले स्टोर में बहुत सी रिचार्ज ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली रिचार्ज ऐप्स ऐसी होती हैं जो या तो बिल्कुल नई हैं या वो 4-5 महीने काम करने के बाद बंद हो जाती हैं, या उनकी रिटेलर आईडी लेने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने एक ऐसी रिचार्ज ऐप की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि प्ले स्टोर में लगभग 1 से 1.5 साल से काम कर रही है। उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, वो ठीक ठाक कमीशन भी हमें प्रोवाइड कर रही है हर रिचार्ज के अंदर, और इसके अलावा उसके अंदर AEPS सर्विसेज मीन्स आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विसेज, और इसके अलावा मनी ट्रांसफर सर्विसेज भी आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो कुल मिलाकर आपको सभी सर्विसेज एक ही ऐप के अंदर मिलने वाली हैं, और यहाँ पर आपको रिचार्ज के अंदर भी एक अच्छा खासा कमीशन देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर आप अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का रिचार्ज करके एक अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हैं, या घर बैठे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए लास्ट तक देखिएगा, कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जिस रिचार्ज ऐप के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस रिचार्ज ऐप का नाम है M2Recharge। M2Recharge को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर बात करें इस रिचार्ज ऐप की तो इसकी प्ले स्टोर में रेटिंग है 4.8 की, और इसके 1K से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, मीन्स 1000 से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। अगर इसके रिव्यू की बात करें तो दोस्तों मैं आपको रिव्यू भी दिखा देता हूं। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इस रिचार्ज ऐप को काफ़ी अच्छा बोला है, जैसा कि मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूं। लगभग मैंने सभी कमेंट्स पढ़े, सबके कमेंट्स पॉजिटिव ही थे, तभी इस रिचार्ज ऐप की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरे को एक भी कॉमेंट नेगेटिव नहीं लगा, जिसके बाद मैंने इस रिचार्ज ऐप की वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। चलिए बात करें ये रिचार्ज ऐप काम कैसे करती है। तो सिंपली आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने स्टेप्स आ जाएंगे। आप नेक्स्ट 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 करके डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरेंगे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं, और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर GST नंबर जरूर मांगा गया है, लेकिन अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आपको वो भरने की ज़रूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। एक बार रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, आप वो भी यहाँ पर फिल कर देंगे। एक बार सक्सेसफुल रजिस्टर होने के बाद आपका पासवर्ड और पिन आपके व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएगा। एक बार अगर आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करने लग जाएगा। ऊपर यहाँ पर आपको वॉलेट बैलेंस, टुडे सेल और कैशबैक के ऑप्शंस दिख रहे हैं, मीन्स यहाँ पे आपको आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है वो दिखाएगा, आप कितना रिचार्ज कर चुके हैं वो दिखाएगा, और आपने कितना अर्निंग कर लिया है वो भी दिखाएगा। ये फीचर्स मुझे किसी भी ऐप के अंदर नहीं मिला, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। चलिए बात कर लेते हैं कि ये रिचार्ज ऐप काम कैसे करती है, और उसमें हमें किस तरह से ऐड मनी करना है, और हमें कितना परसेंट कमीशन मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड मनी करूँगा। तो ऐड मनी करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करूँगा। ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद मैं UPI पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक सिंपली 100 रुपीज़ ऐड करके दिखा देता हूँ। पे अमाउंट पर क्लिक करता हूँ। 100 रुपीज़ सेलेक्ट करने के बाद मेरे से यहाँ पे UPI के ऑप्शन आ जाएंगे, जिस भी UPI ऑप्शन से मैं मनी को ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं फ़ोनपे से ही ऐड करता हूँ। फ़ोनपे पर क्लिक करने के बाद मुझे ये फ़ोनपे के इंटरफेस पर ले जाएगा। मैं सिंपली सेंड पर क्लिक करूँगा और अपनी UPI पिन भरूँगा। उसके कुछ ही सेकंड्स के अंदर पेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और डन पे क्लिक करूंगा। डन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट का बैलेंस 100 रुपीज़ शो करने लग गया है। तो हम मैं आपको एक रिचार्ज करके दिखा देता हूं कि ये रिचार्ज ऐप किस तरह से काम करती है। तो मैं सिंपली प्रीपेड पे क्लिक करूंगा। प्रीपेड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरूंगा या कस्टमर का मोबाइल नंबर भरूंगा जिसके अंदर मैं रिचार्ज करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भर देता हूँ और मैं रिचार्ज करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ 99 से रिचार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर भर लिया, लोकेशन भर दी, और यहाँ पर मैंने अमाउंट भर दी, और मैं यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, और कुछ ही सेकंड्स में मेरी रिक्वेस्ट को ले लिया जाता है, और उसके कुछ ही सेकंड्स के अंदर रिचार्ज भी सक्सेसफुल हो जाएगा। 10 से 12 सेकंड का वेट करना पड़ता है और रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिचार्ज सक्सेस का मेरे मोबाइल में मैसेज आ चुका है। बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही फास्ट काम करती है ये रिचार्ज ऐप। दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं मैंने 99 का रिचार्ज किया था, 100 रुपीज़ मेरे पास बैलेंस था, अब मेरे पास 4.96 बैलेंस पड़ा है, और साइड में मेरे को कैशबैक भी दिखा रहा है, 3.96 का बैलेंस मेरे मोबाइल के अंदर पड़ा है। मीन्स इस ऐप के अंदर आपको टुडे सेल, वॉलेट बैलेंस और कैशबैक अलग अलग शो कर रहा है।
दोस्तों इस ऐप के अंदर आप प्रीपेड के अलावा पोस्टपेड, डीटीएच और लैंडलाइन के बिल तो भर ही सकते हैं। इसके अलावा भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी इसके अंदर अवेलेबल है, मेंस आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल, गैस बिल, इंश्योरेंस बिल और इसके अलावा भी ये जो सर्विसेज आप सभी देख रहे हैं, इन सभी सर्विसेज का फ़ायदा इस ऐप के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस ऐप की एक और खास बात है, वो ये कि इसके अंदर AEPS सर्विसेज भी है। उसके लिए आपको अपनी KYC करानी पड़ेगी, मीन्स आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ही है। उसके लिए आप अपनी KYC कराने के बाद आप इस सर्विस का भी फ़ायदा ले सकते हैं इस ऐप के अंदर। इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी इसी ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी, उसके लिए भी आपको यहाँ पर KYC कराने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये तो हुई रिचार्ज कैसे करते हैं, ऐड मनी कैसे करते हैं, कमीशन कैसे शो होता है, वो सब तो हो गया। अब बात करें कि इस ऐप के अंदर आपको कमीशन कितना देखने के लिए मिलता है, तो आप जाएंगे अदर्स के अंदर। अदर में जाने के बाद आप जाएंगे माई कमीशन के अंदर। माई कमीशन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एयरटेल के अंदर 2.5% मिल रहा है, वोडाफोन के अंदर 3.3% मिल रहा है, आइडिया के अंदर भी 3.3% मिल रहा है, BSNL के अंदर 4% मिल रहा है, जियो के अंदर 3.3% कमीशन मिल रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि कमीशन कम है, लेकिन दोस्तों ये ऐप काफ़ी पुरानी है, 1 से 1.5 साल हो गया काम करते को, तो ट्रस्टफुली काम कर रही है। इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होने के कारण थोड़ी सी ट्रस्टफुल हो जाती है ये ऐप बाकी के ऐप के कंपैरिजन में। अंदर इसी तरह दोस्तों बात करें DTH की, तो DTH के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटर्स के अंदर 3.3% का कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करें अगर आपको इस ऐप के अंदर किसी तरह का इशू क्रिएट होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप उसको सोल्यूशन कहाँ से कराएंगे, तो आप जाएंगे अदर्स नाम के ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आपके सामने हेल्प और सपोर्ट दो ऑप्शन दिख रहे हैं, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सिंपली मैं सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कस्टमर सपोर्ट नंबर यहाँ पर अलग है, व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर आपको अलग से मिलता है। ये बाकी की ऐप्स की तरह यहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट नंबर और व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर एक ही नहीं मिलता, अलग अलग मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पे भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगी। एक और खास बात, यहाँ पर आपको ऊपर व्हाट्सएप का साइन दिख रहा है, आप सिंपली व्हाट्सएप के साइन पे क्लिक करने के बाद भी इसकी व्हाट्सएप सपोर्ट ले सकते। दोस्तों आपकी नज़र में और कोई ऐप है इसके कंपैरिजन में, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा अगर इस ऐप से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।